नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में। दिल से अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में टेलीग्राम ट्विटर इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो यार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ 71 रुपये के इस पेनी स्टॉक के बारे में, जिसको आप राकेश जुजुमल्ला का पेनी स्टॉक बोल सकते हो, क्योंकि उनकी खुद की कंपनी और उनके वाइफ और साथ में उनकी कुछ होल्डिंग स्टॉक में हमें देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात, ये जो पेनी स्टॉक है 71 रुपी, और पेनी स्टॉक बिलो 100 रुपी भी आप बोल के चल सकती हो, इसको बहुत बढ़िया ऑर्डर मिला है। ऑलमोस्ट जो ऑर्डर की वैल्यू है आपको दिखा देता हूँ, इसको 1898 करोड़ का, मतलब 1900 के करोड़ के आसपास का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, वो भी 5 बड़ी कंपनियों से। राइट, तो डेफिनेटली दोस्तों काफ़ी बड़ी खबर है स्टॉक के लिए। दिखाता हूँ आपको स्टॉक का नाम और इसकी फुल डिटेल एनालिसिस की कंपनी के करंट फाइनेंशियल कैसे है और चार्ट पैटर्न हमें क्या बोलने का प्रयास कर रहा है, और साथ में पहले वो देखो आर्टिकल। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने आपके लिए खोल दिया है आर्टिकल इंडियन इंफोलाइन का, एंड क्लियरली आप देख सकते हो 1898 करोड़ का इसको स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी से ऑर्डर मिला है, ऑलमोस्ट 1898 करोड़, तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर मैं इसको मान के चल सकता हूँ। राइट, एंड दोस्तों देखिए अभी जो प्राइस ट्रेड कर रहा है 72 रुपये 30 पैसे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में जब ये ऑर्डर मिला था तो 2% की तेजी थी, लेकिन आज स्टॉक में हमें गिरावट दर्ज देखने को मिलती है। तो दोस्तों मैं यही बोलूंगा, काफी बड़ा ऑर्डर इसको आप मान के चल सकती हो, और लगातार लगातार ये जो ऑर्डर है काफी अच्छे ऑर्डर कंपनी ऑलरेडी जीत चुकी है पास्ट में, और मुझे याद है मैंने इसके ऊपर वीडियो पहले कवर किया था। राइट, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, स्टॉक में जाने का प्रयास करते हैं। न्यूज आपने पढ़ ली, बस इतनी सी न्यूज, बेसिक सी न्यूज है, ज्यादा अंदर जाने का सकता नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी करंट फाइनेंशियल कैसे है, पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कंपनी के बारे में। तो देखो कंपनी के बारे में यहाँ बहुत क्लियर वर्डों में लिखा है, आप चाहो तो उसको पढ़ सकती हो पॉज करके, लेकिन मैं फिर भी आपको हाईलाइट कर देता हूँ। कुछ प्राइमरी सेक्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाने के कामकाज करती है, हाउसिंग, रोड्स, ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स। राइट, तो इस प्रकार के यूज कामकाज करती है, मल्टीपल आप बोल सकते हो कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये काम करती है, और इसी वजह से कंपनी को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इतना बड़ा ऑर्डर मिला है 1898 करोड़ का। मार्केट कैप देखिए 4300 करोड़ का है और ऑर्डर 1800 करोड़ का है, तो क्या लगता है आपको, बहुत बड़ा ऑर्डर है ना। मार्केट कैप कितना है, 4300 करोड़ का मात्र, और ऑर्डर की वैल्यू 1800 करोड़ है, जबरदस्त ना। 86 की बुक वैल्यू है और अभी जो प्राइस सेट कर रहा है 71 रुपी के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी आपको डिविडेंड भी दे रही है 1% के आसपास, आरओसी की वैल्यू पॉजिटिव देखने को मिलती है, साथ में कंपनी अच्छे नंबर्स दे रही है लगातार। राइट, और अपने जो कंस्ट्रक्शन फील्ड का अगर बात करते हैं पीयर कंपेरिजन, तो ये स्टॉक भी 6ठे नंबर में आता है, और इसका जो पीई है वो 12 रुपये 82 पैसे के आसपास है, तो मतलब ठीक ठाक पीई में मार के चलता हूँ उसको। राइट, जो हाईएस्ट पी है 64 और 900 के ऊपर हमें देखने को मिलता है, साथ में केएनआर कंस्ट्रक्शन भी इसी फील्ड का स्टॉक है। और जैसे आपको पता है कि बजट के समय, स्पेशली बता रहा हूँ आपको, बजट के समय बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो नजर में रख सकते हो, बजट के लिए भी स्टॉक हो सकता है। राइट, क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं एक बार, काफी इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी अभी कैसा काम कर रही है लास्ट 2-3 महीनों में। सेल्स कंपनी के देखो अभी सेप्टेम्बर में 2500 करोड़ है, तो मतलब कंपनी की जो सेल्स है वो ठीक है। ठीक है, मार्च 2019 में जो सेल्स थी उतनी नहीं जनरेट कर पा रही है, लेकिन सेल्स हो रही है, बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो रहा है 266 करोड़ का। बाकी बात करते हैं नेट इनकम या नेट प्रॉफिट, तो 114 करोड़ का अभी तक प्रॉफिट हो चुका है, और लास्ट क्वार्टर में 50 करोड़ का प्रॉफिट था, तो अर्निंग पर शेयर ही आप देख सकते हो लगातार ग्रो हो रहा है, इसका मतलब कंपनी के नंबर्स ओके है, ना घटिया ना बेकार है, एवरेज में मार्केट चलता हूँ। बात करते हैं ईयरली परफॉर्मेंस, अगर आपको स्टॉक को लॉन्ग टर्म में होल्ड करना तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका फंडामेंटल एनालिसिस में। सेल्स कंपनी के देख सकते हो 9500 करोड़ प्लस है। राइट, और मार्च जो इसमें सेल्स आपकी 12000 करोड़ के आसपास की थी, मतलब सेल्स डिक्लाइन हुई, कोई दिक्कत नहीं फिर भी। और नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो लगातार ग्रो हो रहा है, 352 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो लास्ट से 268 करोड़ था, उससे पहले 337 करोड़ था, तो नंबर्स कंपनी के लगातार 3 सालों में धीरे धीरे करके ग्रो हो रहे हैं, लेकिन प्राइस वो ग्रो नहीं हो पा रहा जिस प्रकार से होना चाहिए। राइट, बाकी बैलेंस शीट की बात करते हैं, देखो रिजर्व भी ठीक ठाक है। राइट, और बाकी अगर बात करता हूँ डेट, तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा ज़्यादा है 2300 करोड़, और शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्सनली प्रमोटर्स की होल्डिंग 19% है,
FIIs की होल्डिंग देखो 13% है एंड DIIs की होल्डिंग देखो 11% है जो डिक्लाइन हुई है, राइट। अब पब्लिक में किसका पैसा लगा, अब देखो पब्लिक की होल्डिंग 34 से 55 हो चुकी है, लेकिन पब्लिक में कुछ बड़े नाम भी आते हैं जैसे राकेश जुजुवाला, तो इनका भी कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वन देख सकते हो एरा झुंझुनवा रेखा राकेश के नाम से 10% के आसपास की होल्डिंग हमें देखने को मिलती है, 10 या 11% मोटा मोटी, राइट। तो मैं यही बोलूंगा स्टॉक इन शॉर्ट अगर राकेश झुंझुनवाला जी का पैसा लगा है तो उन्होंने को सोच समझ के लगाया होगा, लेकिन अगर उन्होंने लगाया तो देखो उन्होंने अपना मनी मैनेजमेंट को अप्लाई करते हुए लगाया है, तो फॉलो कर लो, लेकिन हाँ ब्लाइंडली फॉलो मत करना, ठीक है। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो अपनी खुद की रिसर्च करना, मतलब देखो रिसर्च का मतलब क्या है, देखो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक है, ओके स्टॉक है, लेकिन होता क्या है ना कुछ स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट में से 2-3 गुना होते हैं, और ये स्टॉक क्या पता आपको 30 से 40% का रिटर्न देते हैं मात्र कुछ ही महीनों के अंदर, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस ढंग से कर ली, ठीक है। कुछ देखा होगा आपने, जब भी कोई सेक्टर चलता है तो स्टॉक 72 रुपये से 100 रुपये, 100 रुपये ऐसे हो जाता है, तो इसी में आपका ऑलमोस्ट 30 से 40% का रिटर्न आ जाता है कुछ ही महीनों के अंदर। तो आप अपना माइंडसेट देखिए कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हो या स्विंग और पोजिशनल करते हो। इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लगा के छोड़ सकते हो 71 रुपये के प्राइस में, जो मुझे नजर आता है। बाकी वॉल्यूम एनालिसिस देख लेते हैं एक बार, आज इंटरडे में कैसा काम हुआ है, तो यहाँ पर वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है 12 लाख+ शेयर लोग कर लेके गए और 43% की डिलीवरी आज भी उठाई गई है। अब बात करते हैं इसका चार्ट पैटर्न जो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टॉक में पैसा डालना चाहते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ उसका चार्ट पैटर्न एनसीसी का। तो एनसीसी का मैंने चार्ट पैटर्न खोल दिया, इसको कन्वर्ट कर लेते डेली चार्ट में, तो देखो RSI स्टॉक का 49 है, मतलब हाँ स्टॉक में पोटेंशियल ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, एकोमोडेट किया जा सकता है इस प्राइस में। और एक चीज और देखना, ये स्टॉक अपने हाई से काफी टूट चुका है, 100 रुपये का हाई था, 100 रुपये से ऑलमोस्ट 72 रुपये आ चुका है, मतलब स्टॉक 30% ऑलमोस्ट छूट चुका है, तो मतलब स्टॉक सस्ता मिल रहा है अगर दूसरे स्टॉक से कंपेयर करोगे तो, ठीक है। निफ्टी ऑलमोस्ट 10% टूटी है, 15% टूटी है मोटा मोटी, तो ये भी ठीक ठाक टूट चुका है, करेक्शन स्टॉक में हो चुकी है। अब स्टॉक में करेक्शन नीचे की बहुत कम आपको देखने को मिलेगी, देखो ये, देखो ये एक लास्ट ऑलमोस्ट अप्रैल के महीने में आया था लो, और दोबारा बनाया दोबारा बनाया दोबारा बनाया और दोबारा बनाया, तो ये ऐसा सपोर्ट अब काम कर रहे हैं ये लोज से है जो, ठीक है। देखो यहाँ सपोर्ट की तरह काम करने का इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज भी कर दिया है, तो अगर आप चाहो तो अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो दिस इज योर स्टॉप लॉस, मात्र छोटा सा स्टॉप लॉस है कितने रुपए का, 65 रुपए का, याद आ गया मुझे दोस्तों, हाँ मैंने जब लास्ट टाइम से वीडियो बनाया था तो 65 रुपये का ही आपको स्टॉप लॉस बताया था, तो अगर अभी भी आपने होल्ड कर रखा तो बढ़िया होल्ड करो, जब तक 65 रुपये का स्टॉप लॉस नहीं हो जाता एग्जिट मत करना, ठीक है। ये हमारा 65 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, बाकी वो अपर साइड टारगेट दोस्तों डेफिनेटली स्टॉक आराम से आपको यहाँ 89 और 90 रुपये के टारगेट दिखा सकता है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करते हैं तो देखो ये लगातार रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट एंड ये रेजिस्टेंस ले सकता है इधर पे, जो निकल के आता है 89 से लेके 90 रुपये के बीच में, तो 89 90 रुपये तो उसका जाना तय है, लेकिन 65 रुपये का स्टॉप लॉस पक्का अपने सिस्टम में अप्लाई कर लेना। बाकी अगर बात करते हैं मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो उसमें एक बार देख लेते हैं कि कैसा लग रहा चार्ट, तो मंथली में देख सकते हो काफी अच्छा वॉल्यूम कैंडल बना, देखो ये जो वॉल्यूम कैंडल है मंथली में ये एज अ एक रेंज बना दिया इसने, अब लास्ट 6 महीने से स्टॉक इसी इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, मल्टीपल साइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, देखो मल्टीपल। तो अगर आप स्टॉक को और लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हो, देखो वो तो हो गया 66 रुपये शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस, अगर और बाय करना चाहते हो और स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो ये लगा लो 58 का लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस, ठीक है। अब मुझे ये लगता है कि 58 का स्टॉप लॉस तोड़ेगा, क्योंकि देखो इसको तोड़ना होता ना तो ये वन शॉट में तोड़ देता, ठीक है ये वन शॉट में तोड़ देता, देखो एक साल यहाँ नहीं बिताता, ऑलमोस्ट एक साल होने को आ चुका है, एक साल यहाँ नहीं बिताता, इसका मतलब ऊपर जंगे रेडी हो रहा है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं एक और साइन मिल रहा है, यहाँ पर लगातार ये इनसाइड वाला कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न बना रहा है, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं होता है, और देखो यहाँ भी बन रहा है, तो मतलब इस महीने अगर ये एक महीना पूरा इसके बीच में बिता लेता, इस कैंडल के बीच में, तो डेफिनेटली अगले महीने ये स्टॉक रॉकेट हो सकता है, अगले महीने अभी नहीं होगा अगले महीने होगा, फिर अगर बिता लेता है इसके बीच में, इससे पहले अगर ऊपर चले जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जाता है तो मंथली इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा जो उसको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा फिर, ठीक है। क्योंकि देखो ये बहुत बड़ा टाइम इसने यहाँ बिता लिया है, ऑलमोस्ट 8 महीने 9 महीने का, तो मेरे हिसाब से चार्ट पैटर्न औसम है, कंपनी के नंबर्स औसम है, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न औसम है, पब्लिक की होल्डिंग ऑसम है, डेफिनेटली आप स्टॉक को रख सकते हो विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, राइट। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कुछ भी अच्छा लगता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए।